हेलो भाई, मैं हूं आसिफ सुभानी और ये जो आपके सामने गाड़ी खड़ी है ब्लू ब्लू कलर की, ये है वॉक्स वैगन वर्टस की मिड वेरिएंट जो आती है हाई लाइन के नाम से। अब इसमें सबसे बेस्ट वेरिएंट लेने जाते हो तो वो आती है कंफर्ट लाइन, मिड वेरिएंट हाई लाइन और सबसे टॉप मॉडल जो है वो आ जाती है टॉप लाइन के नाम से। तो देखो, अभी अपने इंडियन मार्केट में ना इस गाड़ी की दो तीन कह सकते हैं दुश्मन है। सबसे पहली जो दुश्मन है वो तो है इसकी स्कोडा सलाविया, दूसरी हुंडई वरना और तीसरी जब बात आती है तो वो आ जाती है होंडा सिटी की। लेकिन हुंडई वरना और होंडा सिटी में अभी 2023 के टाइम में भाई एडास वेडास जैसी जो भी फीचर्स है ना वो अपडेट कर दिए गए हैं। अब देखते हैं ये वॉक्स वैगन ब्रांड वाले कब इसमें अपडेट करते हैं। बट आ जाओ, मिड वेरिएंट के सारी फीचर्स देखते हैं, प्राइस बताते हैं और इंजन विंजन इंटीरियर एक्सटीरियर एक एक चीज़ आपको दिखा देते हैं इस वीडियो में। वैसे ब्लू कलर हो या फिर इनका वाइट और ब्लैक जो डुअल टोन कलर है ना, उसका रोड प्रेजेंस अलग है यार, मतलब दिखने में लगती है गाड़ी। तो ये आप लेने जाते हो मैनुअल 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन के साथ तो देने पड़ते हैं आपको 13,37,000 रुपये और ऑन रोड अपने पटना बिहार यानी वॉक्स वैगन के शोरूम में पड़ जाती है 15,67,000 रुपये की। तो करीब 15.5 लाख रुपये में आपको फीचर्स क्या मिलते हैं, चलो वो चीज़ देखते हैं। तो फ्रंट साइड आ जाओ, इस जगह आपको वॉक्स वैगन का लोगो मिल जाता है ब्लैक और ये क्रोम कलर के साथ। एक आपको क्रोम कलर की पट्टी मिल जाती है, बाकी नीचे साइड में पियानो ब्लैक कलर मिलेगा, यहाँ पर भी आपको क्रोम कलर जाता है मिल। साइड में आ जाओ, मतलब इसकी आप बेस वेरिएंट लो, टॉप वेरिएंट लो, टॉप वेरिएंट में तो वैसे प्रोजेक्टर वाला चीज़ मिलता है लेकिन कोई सा भी लोगे सारा जो हेडलैम्प का सेटअप है ये आपको मिलता है LED वाला। यहाँ पर अपने को DRL मिल जा रहा है, इंडिकेटर आपको मिल जा रहा है LED, हाई बीम लो बीम के लिए अलग अलग आपको लाइट्स मिल जा रहे हैं, ये सारे मतलब LED वाले मिलते हैं। और भाई फॉग लैंप भी मिल जा रहा है, ऐसा नहीं कि कंपनी वाले बाकी ब्रांड्स की तरह कॉस्ट कटिंग कर रहे हों, दे देते हैं कि भाई हमारा ये सारा सिस्टम अलग अलग ले लो, बस ये नॉर्मल हैलोजन बाकी सारा चीज़ LED वाला मिलता है। अब साइड में आते हो, मतलब गाड़ी की जो लेंथ वेंथ है ना ये भाई एक अलग अपने जो सेगमेंट में है एक अलग चीज़ है। हाँ, वरना में जो है उसकी लेंथ वेंथ भी बढ़ाई गई है लेकिन अभी इस गाड़ी की जो तोड़ है वो कोई है नहीं। यहाँ पर आपको ORVM के इस जगह इंडिकेटर मिल जाते हैं LED वाले और टायर साइज जो है ये अपने को मिलता है 205x55 R16 इंच का। फ्रंट में डिस्क ब्रेक कैलिपर मिल जाता है, अलॉय व्हील मिलते हैं सिल्वर कलर के। ऊपर वाले मॉडल में जाओगे तो आपको डुअल टोन कलर के जो है अलॉय व्हील के मतलब दिखने विखने में मिल जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर भी मिल जाएगा, क्रोम कलर का डोर हैंडल मिलेगा। पीछे साइड में आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक मिलेगा। टैंक कैपेसिटी भाई 45 लीटर की मिल जाती है। बेस लो टॉप लो सारे पे आपको ये जो सेंसर वाली चीज़ है वो वॉक्स वैगन या फिर स्कोडा ब्रांड लगा करके दे देते हैं। अब आ जाओ पीछे से एक लुक देख लो, मतलब गाड़ी फ्रंट की बात कर लो या फिर रियर साइड से बात कर लो, गाड़ी की लुक है मतलब एक क्लास सा झलकता है, कोई पढ़ा लिखा बंदा हो उस टाइप का इसमें आपको जो है लुक वुक मिल जाता है। अब इसमें जो आपको टेल लैंप का सेटअप मिलता है ये पूरा ना LED वाला मिल जाता है, यानी हेडलैम्प भी आपको LED मिलेगा, टेल लैम्प भी आपको LED मिल जाएगा, जैसे ये इंडिकेटर हो गया, रिवर्स लाइट आपको ये मिल जाता है, सारा सेटअप LED वाला मिलता है। TSI लिखा हुआ यानी बैज मिल जाता है, इंजन का ये बैज है, इससे समझ जाओ कि ये है अपना 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन। और पीछे साइड में टोटल 3 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, एक आपको इस जगह, दूसरे यहाँ पर और तीसरे आपको यहाँ पर मिलते हैं। रियर कैमरा भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको रियर डिफॉगर भी मिल जाएगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप भी मिल जाएगा और साथ में शार्क फिन एंटीना भी मिल जाएगा। बस कमी रह जाता तो भाई सनरूफ को लेकर, मतलब जिन्हें सनरूफ अनरूफ की ज़रूरत है नहीं उनके लिए ना काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ये मिड वेरिएंट। 15.5 लाख रुपए में आपको एक जर्मन ब्रांड की कार मिल जा रही है, हैंडलिंग मिल जा रही है, ब्रेकिंग मिल जा रही है, पावरफुल इंजन मिल जा रहा है, मतलब और क्या चाहिए भाई। फीचर्स भी अंदर साइड चलोगे तो आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं। अब इसे ओपन करो, यहाँ पर आपको बूट स्पेस 525 लीटर का मिलता है, बहुत बूट स्पेस है। पीछे साइड वाला सीट 60-40 में फोल्ड अनफोल्ड भी होगा। बूट लैंप आपको मिल जाते हैं नॉर्मल हैलोजन वाले और ये ऐसा नहीं है कि खुला सा छोड़ देते हैं, यहाँ पर ना प्रॉपर भाई आपको प्लास्टिक लगा करके देते हैं। कपड़ा वपड़ा से भी इनका भाई काम चलने वाला है नहीं, तो उन सारी चीज़ें खास ख्याल रखते हैं। क्रोम कलर की पट्टी यहाँ पर भी देख लो मिल जाती है। अब आ जाते हैं इंटीरियर में,
सबसे पहले आपको इस गाड़ी की चाबी दिखाते हैं कि चाबी कैसा मिलता है। तो इग्निशन अपने यहाँ से हो गया ऑफ, थोड़ा जो मूड ऑफ होता है ना यार इन सारी गाड़ी की, चाहे आप स्कूटर की बात कर लो, वॉक्स वैगन की बात कर लो, भाई चाबी को देखकर होता है। मतलब सिंपल सा, काफ़ी बेसिक सा चाबी ये लोग देते हैं। टोटल इसमें 3 बटन्स मिल जाते हैं। गाड़ी आपको लॉक करना है, लॉक या अनलॉक करने पर ORVM भी आपके फोल्ड अनफोल्ड होते हैं, ये सही चीज़ है। गाड़ी अनलॉक करो, ये आपके अनफोल्ड हो जाएंगे। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं टेलगेट अनलॉक करने से रिलेटेड, और ये अपने को मिल जाता है फ्लिप की वाला सिस्टम। टेलगेट अनलॉक करने के लिए इसे प्रेस रखो, ये अपना पूरा खुल सा जाता है। ये वापस से मतलब मैनुअल है, इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम नहीं मिलता है। अब चलो, रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे मिल रहा है, गाड़ी लॉक करो, इसे आपको अनलॉक करना है। तो यहीं से अपना जो है काम करता है, लेकिन भाई अभी काम नहीं कर रहा, गाड़ी अनलॉक नहीं हो रहा। चलो यहीं से कर लेते हैं। अब इंटीरियर की बात बची ना, तो यहाँ आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप मतलब चाबी लगाने वाला सिस्टम नहीं है, मतलब इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला जो है बटन मिल जाता है। ये है अपना विंडो से रिलेटेड कंट्रोल, ड्राइवर साइड वाला वन टच डाउन तो चला गया, पता नहीं वन टच अप ये भी आ जा रहा है। बाकी तीनों नॉर्मल कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको लेदर मिल जाएंगे, बाकी हार्ड प्लास्टिक स्पीकर मिल जाएंगे आपको। डोर लॉक अनलॉक करना है उससे रिलेटेड, और ड्राइवर वाली सीट में हाइट एडजस्टमेंट वाला भी सिस्टम मिल जाता है। अब बैठिए आप यहाँ। भाई ग्राउंड क्लियरेंस रह गया, ग्राउंड क्लियरेंस ना इस गाड़ी में आपको मिलता है 180 mm के करीब, मतलब 179 mm, 1 mm कम 180 से। यह हो गया हेडलैम्प का कंट्रोल, जो है अपना मैनुअल वाला यानी ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। हेडलाइट लेवलिंग कंट्रोल मिल जाता है। इस साइड आपको मिल जाते हैं इस MID को कंट्रोल करने के लिए बटन्स, और भाई यहाँ पर आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल। ये अगर चीज़ ना होता या फिर वायरलेस चार्जिंग पैड ना होता, तो भाई मैं इस गाड़ी को या फिर इस वेरियंट को कहता नहीं कि वैल्यू फॉर मनी है। इलेक्ट्रिक ये सारा जो ORVM का एडजस्टमेंट है, ये चीज़ भी अपने को जाता है मिल। स्टेयरिंग व्हील मिल जा रहे हैं देखो, लेदर रैप्ड वाले। यहाँ हो गए आपके वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल, इस साइड आपको मिल जाते हैं हाई बीम लो बीम इंडिकेटर देना हो उन सब से रिलेटेड। और दूसरी चीज़ स्टेयरिंग की एडजस्टमेंट, भाई टिल्ट टेलीस्कोपिक टॉप लो बेस लो सब में मिल जाता है। यहाँ पर हो गया ऑटोमेटिक AC का कंट्रोल, वायरलेस चार्जिंग पैड, इंजन स्टार्ट स्टॉप का कंट्रोल, ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप का कंट्रोल। ये है अपना 6 स्पीड का मैनुअल गियर लीवर, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, 2 बोतल होल्डर मिल जाता है यहाँ पर, मैनुअल हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट मिल जाता है जो स्लाइड भी अपना होता है, अंदर साइड में स्टोरेज स्पेस भी मिल जाता है, और ग्लो बॉक्स जो है भाई कूल्ड वाला आता है। ये देख रहे हो फैन की स्पीड कम ज़्यादा, आपको कूलिंग वूलिंग करनी है यहाँ से काम कर जाएगा। बाकी इस जगह पियानो ब्लैक कलर मिल जाता है, 10 इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। और मेन जो थोड़ा बुरा लगता है इसके MID को देखकर, वो जो है ना लग्जरी टाइप का या फिर प्रीमियम जो फीलिंग कह लें, वो भाई यहाँ पर थोड़ा दब सा जाता है। सारा चीज़ देखोगे तो अप होगा, बाकी इस चीज़ को देखकर डाउन हो जाता है। बट काफ़ी लोगों को एनालॉग पसंद है यार। यहाँ पर अपने को एनालॉग वाले स्पीडोमीटर मिल जा रहे हैं, भाई देख लो 260 तक मार्किंग है इसके, स्पीड है यार गाड़ी में पिकअप तगड़ा है। ये अपना टैकोमीटर मिल जाता है, इस जगह इंजन हीट से रिलेटेड वार्निंग, फ्यूल लेवल इंडिकेटर, बीच में डिस्प्ले रेंज बता रहा है, ऊपर साइड में टाइम बता रहा है, नीचे साइड में टेम्परेचर, ट्रिप ए किलोमीटर। इसे आप यहाँ से भी चेंज कर पाओगे, मतलब ट्रिप ए देखना है, ट्रिप बी 0 सेट करना है, वो सारा चीज़ यहाँ से, टाइम वैम आप यहाँ से भी कर पाओगे। बाकी और काम करना है तो इसके कंट्रोल ये हो गए, यहाँ देखना ऑडियो हो गया, टेलीफोन हो गया, व्हीकल स्टेटस, ड्राइविंग डेटा, इन सब का सारा इन्फॉर्मेशन अपने को यहीं पर मिल जाएगा। और क्या मिलता है, और कुछ ना, वॉइस कमांड का एक बटन ये अपने को मिल जा रहा है। और ये है व्यू से रिलेटेड, क्या आप फ्रंट साइड में देखना चाहोगे, रेंज देखना है या FM, ये सारा मतलब म्यूजिक से रिलेटेड देखना, वो देख लो। तो फीचर्स फ्रंट साइड तो इतना हो गया। हाँ, IRVM भाई आपको सिंपल यानी मैनुअल वाला मिलेगा, रीडिंग लैंप आपको LED वाला मिल जाएगा। भाई सनग्लास होल्डर नहीं देते यार ये लोग, मतलब ये अलग एक तरह का स्पेस है, डिज़ाइन दे दिया है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं देते हैं ना। तो इसमें सनरूफ, ऐसा होता है कि सनरूफ होता है थोड़ी देर के लिए मान लिया जाता है। यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, इस साइड आपको वो भी नहीं मिलता है। तो फ्रंट से कुछ इतना सा चीज़ मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, कार कनेक्टेड फीचर सारा चीज़ मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल से रिलेटेड यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ये देखो ट्रैक्शन कंट्रोल डीएक्टिवेटेड हो गया। टायर प्रेशर जो है वो बताएगी नहीं, लेकिन अगर आपकी टायर में प्रेशर कम होगा तो उसकी वार्निंग जरूर मिल जाएगी। यहाँ पर जैसे मैं ऑफ करता हूँ, वापस से ऑन करता हूँ, तो ये देखना कहाँ चला गया, यहाँ ये देख लो ना, टायर प्रेशर अगर कम होगा ना किसी भी टायर में, भाई उसका वार्निंग आपको
वहाँ MID पर शो कर जाएंगे। पीछे साइड यहाँ पर भी सेम लेदर उसी तरीके का, विंडो का कंट्रोल, स्पीकर मिल जाता है, ट्विटर मिल जाता है। मतलब इसके ना टॉप मॉडल ले लो 8 स्पीकर दे देंगे, मिड वाला मॉडल ले लो इसमें भी 8 स्पीकर मिल जाएंगे, क्योंकि ट्विटर आपको इस जगह मिल रहा है। ये आप देखो इस जगह ट्विटर मिल जाता है। रियर साइड में एसी वेंट्स मिल जाते हैं, 2 टाइप सी वाले चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं, मैगजीन होल्डर मिल जाते हैं, इस साइड भी मैगजीन होल्डर मिल जाते हैं। 3 आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बेस वेरिएंट लो, टॉप वेरिएंट लो, सब में एडजस्टेबल है। बीच में एक और आर्मरेस्ट मिल जाता है 2 बोतल होल्डर के साथ, और सीट्स सारे अपने को फैब्रिक वाले मिलते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स विट्स आपको नहीं मिलेगा। रीडिंग लैम्प अगेन यहाँ पर आपको LED वाला मिल जाता है, और एयर बैग्स जो है ना वो आपको इस वाले वेरिएंट में 2 ही मिलेंगे। टॉप वाले जाते हो टॉप लाइन या फिर GT लाइन पर, वहाँ आपको टोटल 6 एयर बैग्स मिल जाते हैं। अब इसे कीजिए यहाँ से बोनेट को ओपन, आ जाओ इंजन की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये है भाई इसका 3 सिलेंडर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, 114 PS का पावर, 178 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है। पैडिंग वैडिंग नहीं मिलती है इस जगह, यहाँ का कॉस्ट कटिंग करके भाई इन्होंने पीछे साइड बूट में ही फाइबर जो है लगा करके दे दिया है। बाकी देखो माइलेज टर्बो है, थोड़ा आपको कम मिलेगा, लेकिन हाँ पावर का कमी फील नहीं होने वाला इस इंजन के साथ। एसी वैसी का पता नहीं, प्रॉब्लम तो आ रही थी मतलब, बट इसमें नहीं आ रही थी, टाइगून में इनकी आती थी। अभी के टाइम सॉल्व हुआ है या नहीं वो तो भाई मुझे खुद नहीं मालूम, सनरूफ नहीं मिलेगी। तो चलो यही मोटा मोटी फीचर्स आपको मिल जाते हैं इस गाड़ी में। 15.5 लाख रुपये आप ऑन रोड देते हो, और 13 लाख समथिंग रुपये आप एक शोरूम देते हो वॉक्स वैगन वालों को। तो अगली वीडियो तक भाई ड्राइव सेफ बी सेफ।